जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, इसमें आप एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी लोग फिजिकली फिट नहीं है उनके लिए भी, और जो फिजिकली फिट है उनके लिए भी, और जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले बैच की उनके भी लिए। आपको पता है कि CRPF में हेड कॉन्स्टेबल मिनी स्टेल की जो वैकेंसी आने वाली है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसी के बारे में कि कब वो वैकेंसी आ रही है, कब उसका एग्जाम होगा और क्या क्या उसका सिलेबस होगा। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपके जो इस बार का जो सिलेबस रहेगा या उसका जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा अलग है पिछले कुछ एग्जामों से। इसमें कुछ खास बात क्या क्या रहेगी इसके बारे में, साथ ही इसकी जो पूरी डिटेल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। अब बात करते हैं कि जो CRPF में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की जो आने वाली है, तो इस वैकेंसी का जो सिलेबस होता है फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कब ये आने वाली है और कब इसकी डेट है, कब एग्ज़ाम डेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और इसका मतलब किस प्रकार से हाइट, वेट, चेस्ट या फिजिकली, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है। सबसे पहले इसमें होता है दोस्तों फिजिकल, उसके बाद में रिटन, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट, और उसी के बाद में मेडिकल। इस प्रकार से ये होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में होता है दोस्तों आपका हाइट, वेट और चेस्ट, इसमें रनिंग नहीं होती है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हाइट, वेट, चेस्ट ज़्यादा मतलब आर्मी की तरह चेक नहीं होता, नॉर्मल होता है। जिसका अगर नॉर्मल भी फिजिकल है तो वो भी फाइट कर सकता है, इसमें कोई बड़ा मतलब पंगे वाली बात नहीं है। ना आपको रनिंग वनिंग की ज़रूरत है कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, आपको रनिंग करने की ज़रूरत है, इसमें रनिंग का टेस्ट नहीं होता। तो ये आपके लिए सबसे खास बात तो ये। इसके बाद में आपके वहीं पे डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, ये इसकी पहली प्रक्रिया होती है। जो पहले फेज़ में इसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है, तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो हाइट रहने वाली है वो रहती है 165 सेमी, और लड़कियों के लिए 155 सेमी, लड़कों के मेल के लिए 165 सेमी, लड़कियों के लिए 155 सेमी। साथ में अगर वो ST कैटेगरी से उसके लिए 162 सेमी, और कुछ विशेष राज्य जैसे मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, इन स्टेट में 162 सेमी हाइट दे रखी है, मतलब उनको हाइट में छूट दे रखी। साथ ही जो इसका चेस्ट का क्राइटेरिया वो है जनरल OBC के लिए और SC के लिए 77 to 82, और ST के लिए है 76 to 81। तो मतलब फिजिकली और चेस्ट का भी क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं है, तो ये फेज़ आप पास कर सकते हो। इसके पास करने के बाद में फिर आता है इसका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में इसके 225 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, मतलब 150 मिनट मिलती है। कितने क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन जो आता है इसमें 50 नंबर का मैथ, 50 का रीजनिंग, 50 का GK और 50 का इंग्लिश और हिंदी, ऑप्शनल रहता है, जो आप चुनना चाहो वो। उसके बाद में 25 नंबर का आता है रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपको लिखना पड़ता है एक पैराग्राफ। तो दोस्तों वो पैराग्राफ जो राइटिंग है उसमें आपका राइटिंग कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आप लिखते हो, आपकी लिखने की जो हैंड राइटिंग है उसके हिसाब से उसमें नंबर मिलते हैं। आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है उसमें, किस प्रकार की आपकी एक्यूरेसी है, वर्ड को किस प्रकार से आप लिखते हो, कितनी मतलब आप गलतियाँ होती है उसमें जो इंक्लूड करके, वो 25 नंबर का वो टेस्ट होता है, वो पेपर में इंक्लूड ही होता है उसी 2 घंटे 30 मिनट के टाइम के दौरान। तो इस प्रकार से इसका पेपर होता है दोस्तों, यानी 225 मार्क का पेपर होता है, और 5 टाइप होती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ 50 नंबर का, GK 50 नंबर का, और हिंदी इंग्लिश हो गया, GK मैथ रीजनिंग 50 नंबर का। इसके अलावा इनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता, इजी लेवल होता है दोस्तों, कि अगर आप आसानी से इसको फाइट कर सकते हो, कोई बड़ा भारी हो नहीं है। अगर आप 12th पास हो तो ये एग्ज़ाम में एलिजिबल हो दोस्तों। 225 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 2.5 घंटे का समय आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की तो इसकी तैयारी ज़रूर ऐड कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। इसके बाद में फिर अगला जो आपका होता है, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होने के बाद में फिर होता है टाइपिंग। जो टाइपिंग का टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनल रहती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी चुनते हो या इंग्लिश। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, मतलब एक मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने और उसमें एक मिनट में आपको 35 वर्ड लिखने इंग्लिश में। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है दोस्तों, ख़ास बात इसमें यह है कि आपको कम से कम 40% अंक कम से कम लाने पड़ेंगे, तभी आप अगले फेज़ के लिए एलिजिबल होगे। किसमें, पेपर में आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी आप अगले फेज के लिए एंट्री कर सकते हो, मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर उसमें इतने नंबर नहीं कर पाते, मतलब 80 नंबर हो गया OBC जनरल के लिए, 225 में से 80 नंबर आपके हैं कम से कम, तब आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं। और अगर आप ST से हैं तो आपको कम से कम 70 नंबर लाने पड़ेंगे 225 में से,
तभी आप इस टेस्ट के लिए इलिजिबल हैं। इसके बाद में जो टाइपिंग का टेस्ट होता है उसमें आपकी एक्यूरेसी के आधार पर भी देखा जाता है, साथ ही आपकी जो स्पीड, मैंने बताया कि जैसे कि 35 वर्ड इंग्लिश से अगर आप कर रहे हो तो 35 वर्ड पर सेकंड के हिसाब से पर मिनट, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों अगर आपकी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सोच रहे हो कि टाइपिंग मेरे को नहीं आएगी या टाइपिंग की वजह से अगर इस भर्ती का आप फॉर्म छोड़ दो, तो ऐसी गलती कभी नहीं करना दोस्तों। होता क्या है कि टाइपिंग अगर आपको लगेगा कि आपका स्कोर अच्छा है तो आप टाइपिंग सीख जाओगे, एक महीने में दो महीने में आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट गारंटेड आपकी स्पीड आ जाएगी। आप कीबोर्ड लेके जब टाइप करना लगोगे, आप मोबाइल से भी टाइप कर सकते हो, आजकल इस प्रकार के कीबोर्ड आते हैं जिसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और डायरेक्ट आप उनको टाइप करके मोबाइल में भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही ईजी 500-600 रुपये में वो कीबोर्ड मिल जाते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला आपका टेस्ट, अगर टेस्ट का स्कोर आपका अच्छा हुआ तो आप टाइपिंग सीख दो। इसलिए इस वैकेंसी में आप 100% ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसका जो जॉब माना जाता है वो भी आपको बिल्कुल, ये मान के चलिए फोर्स का जॉब है लेकिन बिल्कुल सिविलियन की तरह जॉब है। ऑफिस में जाना, ऑफिस से वापस शाम को घर, मतलब बाहर आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हो, क्वार्टर सुविधाएं मिलती है, बाहर भी रह सकते हो और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। मतलब अगर आप तैयारी करें तो, मतलब जिस प्रकार से कलर की ड्यूटी होती है ऑफिस में उसी प्रकार की ड्यूटी है, बिल्कुल शानदार। आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में, फिर उसके बाद में आप घर, चाहे आपका कहीं पे भी ट्रांसफर हो, कहीं किसी भी जगह अगर आप ड्यूटी करते हो। साथ में इसका एक फ़ायदा और है कि अगर आप मान लो किसी भी जहाँ ड्यूटी कर रहे हो वहाँ का रिस्क अलाउंस और मिलता है आपको, जबकि आप ऑफिस में ही काम करते हो, जबकि आपको जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो वहाँ का रिस्क अलाउंस भी मिलता है, जिस प्रकार से बाकी जवानों को मिलता है आपको भी मिलता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, CRPF में। तो मतलब बहुत ही शानदार। अगर मान लो आप कोबरा में ड्यूटी कर रहे हो, कोबरा में आप कर तो ऑफिस में काम रहे हो, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको 17,500 पूरा का पूरा रिस्क अलाउंस मिलता है। तो मतलब बहुत ही शानदार पोस्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर तैयारी करना इसकी। और अलग से सिलेबस कुछ है नहीं, सिलेबस मैंने बता दिया। ये टेस्ट फाइट करने के बाद में फिर होता है आपका मेडिकल लास्ट फेज में। तो मेडिकल इसका ज़्यादा मतलब वो आर्मी की तरह टफ नहीं होता, जैसे SSGD का मेडिकल होता है उसी प्रकार सा नॉर्मल सा मेडिकल होता है। इसमें आइज वाइज भी, मतलब जो आइज वाइज की जो कैटेगरी है, या आँख है, कलर विजन है, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है कलर विजन की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आपको मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मतलब इसकी वैकेंसी की आप ज़रूर 100% तैयारी करना। अब बताते हैं कि इसकी जो वैकेंसी कब आने वाली है, कब इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि इसकी जो वैकेंसी है वो फरवरी की सेकंड वीक में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसमें 875 पोस्ट की वैकेंसी है, 875 पोस्ट की ये वैकेंसी है और इसका चांस है कि ये फरवरी की फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाए, मार्च 1 से पहले। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 मार्च से पहले इस वैकेंसी के फॉर्म भर दिए जाएंगे और फिर एग्ज़ाम आप इसके मान से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, वो मान के चलिए कि जून जुलाई में इसका फिजिकल होना है। तो मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो लोग SSGD में अभी रह गए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। आप ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। आप 100% ट्राई करना क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि जिनका फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो मतलब 875 पोस्ट की वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी के वाइज ये वैकेंसी डिवाइड की गई है। कलर पोस्ट की वैकेंसी है हेड कॉन्स्टेबल की, और हेड कॉन्स्टेबल की जो बेसिक पे होती है इसके बारे में, टोटल पे स्केल के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है कमांडो अकेडमी, उस पर पूरे के पूरे आपको वीडियो मिल जाएंगे सभी प्रकार की सैलरी के। तो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि कितनी किसकी सैलरी होती है, कलर पोस्ट की सभी पोस्ट की वहाँ पर सैलरी मैंने बता रखी। मतलब बहुत ही शानदार वैकेंसी है, आप 101% ट्राई करना दोस्तों इस वैकेंसी में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी।